सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे दोस्तों, हम लोगों की जो क्लास है वो लगातार चल रही है। और मैंने कहा दोस्तों कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे दोस्तों। और आज हम लोग दोस्तों उसी क्रम में आगे चर्चा करेंगे वर्क एंड टाइम के पार्ट टू की। जी हाँ दोस्तों, आज हम वर्क एंड टाइम के पार्ट टू की चर्चा करेंगे। और जो बच्चे आज नए जुड़ रहे होंगे वो सोचेंगे कि कहाँ से पार्ट टू पे पहुँच गए सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट वन मैं एक बार बता चुका हूं दोस्तों। आपका पार्ट वन परसों चला था, कल आपकी एनडीए की क्लास पेपर था दोस्तों, इसीलिए कल आपकी क्लास नहीं चली थी। तो दोस्तों मैंने कहा कि आपकी क्लास डेली चलेगी, बस आप अपना सहयोग बनाए रखिए और एक बार जल्दी से शेयर करिए दोस्तों। एक बार जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए। और जो हमारे एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं वो जय हिंद लिखें, और जो हमारे एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं दोस्तों वो भी जय हिंद लिखें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज जो दोस्तों कुछ बच्चे होंगे जो एनटीपीसी के भी जुड़े होंगे हमसे, तो मैं एक बार बता दूं उन लोगों को कि अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो मैथ आपको एकदम आसान लगेगी। जी हाँ, मैथ आपको एकदम आसान लगेगी, बस आप कुछ दिन हमारी क्लास लेकर देखिए और निश्चित ही मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत आसान मैथ लगेगी। तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट में आइए, एक बार कमेंट में आइए दोस्तों, एक बार जल्दी से कमेंट में आइए। नितिन राठौर, नील प्रताप, नितेश कुशवाहा, आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट में आइए दोस्तों, आप लोग जल्दी से कमेंट में आइए। और अभी हमको नहीं दिख रहे, आज सुबह वाली क्लास में भी अभी नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, तो अभी आप भी आइए कमेंट में, और आप सुबह वाली क्लास में नहीं थे और विशाल भी जो है आज सुबह वाली क्लास में नहीं थे, तो एक बार जल्दी से आप सब कमेंट में आ जाइए दोस्तों। तो आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे उसी के आगे, अर्थात वर्क एंड टाइम के पार्ट टू की। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों वर्क एंड टाइम पार्ट टू। जी हाँ दोस्तों, आज हम पार्ट टू की चर्चा करेंगे। और हमने बताया दोस्तों कि एयरफोर्स में केवल चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, हमने पहले वीडियो में बताया था। आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे टाइप फोर की। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे टाइप फोर की कि आखिर टाइप फोर में क्या आता है दोस्तों। जो एनटीपीसी वाले होंगे वो परेशान नहीं होंगे, अभी आप देखते रहिए। मैंने कहा कि आपकी जो बैच है दोस्तों वो चलेगी 20 सितंबर से, लेकिन तब तक आप थोड़ा थोड़ा हमसे परिचित हो जाइए, हमारा और आपका थोड़ा लगाव बढ़ जाए दोस्तों। और जब आप हमसे लगाव हमारा आपसे बढ़ जाएगा दोस्तों, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और हमें पढ़ाने में मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज का जो टाइप फोर है वो क्या है सुनिएगा दोस्तों। मैंने कहा कि टाइप फोर में आपका टंकी और पाइप वाला क्वेश्चन रहेगा। मतलब दोस्तों टाइप वन में हमने पढ़ा कि इतने आदमी किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे। टाइप टू में दोस्तों हमने पढ़ा कि अगर एक छात्रावास में 200 छात्राएं हैं और 4 छात्राएं चली जाती हैं, उसके बाद भोजन कितने दिन चलेगा। फिर टाइप 3 में हमने पढ़ा दोस्तों कि एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करता है और दूसरा आदमी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिल जाए दोस्तों तो वो कितने दिन में करेंगे। ये हमने तीसरा टाइप पढ़ा दोस्तों। आज उसी क्रम में हम लोग चौथा टाइप पढ़ेंगे, और चौथा टाइप क्या है सुनिएगा। चौथा टाइप है कि अगर मान लीजिए ए और बी दो टंक पाइप है, ए और बी दो पाइप है जो एक टंकी में लगी है दोस्तों, पाइप ए जो है 10 घंटे में भर देती है, पाइप दो जो है वो 5 घंटे में भर देती है, अगर दोनों पाइप खोल दी जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यही प्रश्न है। अर्थात चलिए हम शुरू करते हैं, अर्थात देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक आपकी स्क्रीन पर लगा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एक आपकी स्क्रीन पर लगा है, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर देते हैं। अर्थात दोस्तों अगर हम पाइप ए खोल देते हैं तो ये 20 मिनट में भर देता है, पाइप बी खोल देते हैं तो ये हमारा 30 मिनट में भर देता है। और प्रश्न में कह रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक हमारा कितनी देर में भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक हमारा कितनी देर में भर जाएगा। हमने कहा बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारे देखिए कुछ बच्चे एयरफोर्स वाले बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं, एयरफोर्स वाले बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि इसका क्या आएगा।
आप लोग कमेंट करिए, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। अभिषेक आप भी कमेंट करिए और चंदन आप भी कमेंट करिए, आप भी सुबह वाली क्लास में नहीं दिखे थे। अभिषेक आप भी सुबह वाली क्लास में नहीं दिखे थे। पवन कुमार आप भी आइए कमेंट में। तो दोस्तों यही प्रश्न है कि पाइप ए जो है वो 20 मिनट में भरती है, पाइप बी जो है 30 मिनट में भरती है। हमने कहा दोस्तों कुछ नहीं करना, जो चीज लिखा है उसी का एलसीएम ले लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, अर्थात दोस्तों 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ए एक मिनट में, ए दोस्तों एक मिनट में 3 यूनिट भर रहा है, उसी तरह बी जो है एक मिनट में 2 यूनिट भर रहा है। इसका मतलब कि अगर हम ए प्लस बी को मिला देंगे दोस्तों, ए प्लस बी को मिला देंगे तो ए प्लस बी दोनों एक मिनट में भरेंगे बराबर। तो दोस्तों ए और बी दोनों एक मिनट में कितना भरेंगे बताइए, ये 3 भर रहा है, ये 2 भर रहा है, अर्थात एक मिनट में कितना भरेंगे दोस्तों, 5 भरेंगे, अर्थात ए और बी पूरा कितनी देर में भरेगा दोस्तों, तो पूरा 60 है और 5 भर रहे हैं, अर्थात 60/5 यानी कि 12 मिनट दोस्तों, यही आ जाएगा आंसर। किसी को कहीं समस्या हो दोस्तों बताइए। मैंने कहा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद आप ये देख लीजिए दोस्तों कि एक मिनट में कितना काम हो रहा है, एक दिन में कितना काम हो रहा है या एक घंटे में कितना काम हो रहा है। जो चीज यहां दिया रहेगा दोस्तों उसी का हम एक निकालते हैं, अर्थात यहां मिनट दिया रहेगा तो एक मिनट का निकालेंगे, यहां दिन दिया रहेगा तो एक दिन का निकालेंगे, यहां घंटा दिया रहेगा तो एक घंटे का निकालेंगे। तो हमने देखा दोस्तों कि ए एक घंटे एक मिनट में 3 यूनिट भर रहा है, बी एक मिनट में 2 यूनिट भर रहा है, अर्थात ए और बी दोनों एक मिनट में कितना भरेंगे तो 5 यूनिट भरेंगे। एक मिनट में 5 यूनिट भर रहे हैं, इसलिए पूरा अर्थात 60 यूनिट कितनी देर में भरेंगे दोस्तों, तो 60/5 अर्थात 12 मिनट में भरेंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें ऑप्शन अर्थात जो आपका क्वेश्चन लगा है दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया, परेशान मत होइएगा, इसमें 12 आ जाएगा आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सुनिएगा। मैंने कहा कि जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि पाइप ए टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, पाइप ए टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। फिर दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि तथा पाइप बी 45 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है दोस्तों वो 45 घंटे में भर सकता है। फिर आगे क्या कह रहा है सुनिएगा। आगे कह रहा है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आप लोग कमेंट करिए। मोहित कमेंट करिए, राजेश कमेंट करिए, रौनक कमेंट करिए, किशन आप भी कमेंट करिए, बताइए कि क्या आएगा। प्रमोद आप भी कमेंट करिए, देख रहा हूं दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे हैं, इसका बताइए कि इसका क्या होगा, इसका कितना आएगा आंसर, आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया दोस्तों, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि कुछ नहीं करना भाई, यहां 30 है यहां 45 है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 90 होगा, 90 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 30 तिहाई 90, 45 दूना 90। अब चूंकि यहां घंटा है दोस्तों इसलिए ये एक घंटे का है, यहां घंटा है इसलिए एक घंटे का है, अर्थात ए एक घंटे में 3 यूनिट भर रहा है और बी एक घंटे में 2 यूनिट भर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए और बी एक घंटे में कितना भर रहे हैं दोस्तों, एक घंटे में 5 यूनिट भर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ए का एक घंटे का निकालिए, बी का एक घंटे का निकालिए, ए प्लस बी का एक घंटे का हो गया 5। अब सुनिए दोस्तों, अर्थात ए प्लस बी पूरा कितनी देर में करेंगे दोस्तों, तो 90 है, 90/5 कर दीजिए, अर्थात दोस्तों 5 × 5 = 5, 5 = 40, 18 घंटे में। जी हाँ दोस्तों यही आ जाएगा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिल करके 18 घंटे में भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये है प्रश्न, हमने कहा बिल्कुल कठिन नहीं है, आप केवल हमारे साथ लगे रहिए, आपको हर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, हर क्वेश्चन आएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीन देखिए क्या कह रहा है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि 3 नल
क्रमशः 60 घंटे, 72 घंटे, 90 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। तीन नल है दोस्तों, तीन नल है, तो अब यहां पर दिया नहीं गया तीन नल कौन है, तो आप 1, 2, 3 कर दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, 60 घंटे, 72 घंटे, 90 घंटे, 60 घंटे, 72 घंटे, 90 घंटे दोस्तों। अर्थात हमने कहा कि जब भी प्रश्न रहे आप पहले लिख करके एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद देखिए पूछ क्या रहा है। कह रहा है यदि तीनों नल साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देखिए तीनों नल एक साथ खोलिए, एक साथ खोलेंगे तो इसका एलसीएम लिखेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी इतना बड़ा एलसीएम कैसे लेंगे, तो दोस्तों बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका एलसीएम लेना है हमको। इसमें देखिए 90 और 60 तो एक ही तरह दिख रहा है, यही 72 थोड़ा दूसरी तरह है, ठीक। तो अर्थात यही 72 को पकड़ लीजिए आप, इसी 72 को पकड़ लीजिए, अर्थात 2 × 5 = 10 होता है, 5 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो 5 × 2 = 10 की 0 हंसे लगे 1, 5 = 35, 1 = 36, अर्थात दोस्तों 360 इसका हो जाएगा एलसीएम। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सर जी कैसे आप 72 में क्यों गुणा किए, 90 में गुणा कर देते, 60 में गुणा कर देते। तो दोस्तों एक चीज तो आप जानते हैं कि जो चीज आपको 90 के पहाड़ा में मिल जाएगी वो 60 के पहाड़े में मिल जाएगी। जैसे अगर 9 × 2 = 18 180 करेंगे दोस्तों, तो ये भी 60 के पहाड़े में है, 60 × 6 = 18 3 से गुणा हो जाएगा, 9 × 4 = 36 दोस्तों 360, ये भी आपका 60 के पहाड़ा में है। यही हमको 72 दिख रहा था जो अलग है इन सब से, इन सब से दोस्तों अलग जो दिख रहा है वो 72 दिख रहा है, और 72 अलग है दोस्तों, इसीलिए हमने 72 को पकड़ा। अब यहां लास्ट में 2 था दोस्तों, अब लास्ट में 2 था तो इसमें कितने से गुणा कर दे कि लास्ट में 0 हो जाए, तो 5 से गुणा करेंगे, अर्थात इसीलिए हमने 5 से गुणा करके लिख दिया। अब देखिए दोस्तों 6 से जब इसको काटेंगे तो 6 × 36 6 आ जाएगा, 72 से काटेंगे दोस्तों 5 आ जाएगा, और 90 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये सब घंटे में दिया गया है दोस्तों, इसका मतलब एक घंटे में पहला नल 6 यूनिट भरेगा, एक घंटे में दूसरा नल 5 यूनिट भरेगा, एक घंटे में तीसरा नल 4 यूनिट भरेगा। इसका मतलब हुआ क्या दोस्तों कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों मिलकर के एक घंटे में कितना भरेंगे, तो 6, 5, 11 और 4 = 15 यूनिट दोस्तों। तो इसलिए तीनों नल मिलकर के पूरा कितनी देर में भरेंगे, अर्थात दोस्तों 360 और बटे 15, बस यही काट लीजिए, अर्थात 15 × 30 और 15 × 4 = 60, इसका मतलब हो गया दोस्तों कि तीनों मिलकर के उसे 24 घंटे में भर देंगे। तीनों मिलकर के उसे कितनी देर में भरेंगे, 24 घंटे में भरेंगे। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिए, बताइए कि समझ में आया कि नहीं, कमेंट करिए। अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया, क्या कहीं दिक्कत हो रही है, कमेंट करिए। लवेश यादव, नील प्रताप, नितेश कुशवाहा, कमेंट करिए, बताइए कहीं कोई दिक्कत हो रही है। अब से आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है सुनिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैंने कहा कि मेरे साथ आप पढ़िए, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन देता हूं उसका प्रैक्टिस करिए, कहीं दिक्कत हो तो आप मैसेज करिए, आपके प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। जो आपका ग्रुप बना है आप वहां पर मैसेज कीजिए, वहां ना हो सके तो टेलीग्राम पर कीजिए दोस्तों, आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है सुनिएगा, एक किसी भरी टंकी को 40 घंटे में तथा बी 60 घंटे में खाली कर सकता है। दोस्तों सुनिएगा, एक टंकी अगर पूरी भर दी जाए तो दोस्तों ए जो है उसे 40 घंटे में खाली कर देगा, और बी दोस्तों उसे 60 घंटे में खाली कर देगा। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो भरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अभी तक हम देख रहे थे कि जो हमारे दोनों नल थे वो नल भरने का काम कर रहे थे, अब दोस्तों वो जो नल है हमारे वो नल खाली करने का काम करेंगे। मतलब दोस्तों क्या कह रहा है सुनिएगा कि दो नल लगे हुए हैं ए और बी, ए आपका 40 घंटे में खाली कर रहा है, बी आपका 60 घंटे में खाली कर रहा है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना,
चाहे भरने का हो और चाहे खाली करने का हो, अगर दोनों भर रहे हैं या दोनों खाली कर रहे हैं तो सेम टू सेम उसी तरह लगेगा, जैसे भरने वाला लगेगा वैसे खाली करने वाला लगेगा। मतलब दोस्तों 40 और 60 का एलसीएम लीजिए, तो अब हम एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 120 ले लेंगे, तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा और 6 × 12 = 2 आ जाएगा। किसी को एलसीएम लेने में तो किसी को समस्या नहीं है दोस्तों, कमेंट करिए, एलसीएम लेने में तो किसी को कोई समस्या नहीं है, किसी को अगर कहीं भी समस्या दोस्तों तो कमेंट करिएगा। मैंने कहा कि एक एक बच्चे को मैं बताऊंगा दोस्तों, एक एक बच्चे को बताऊंगा और इस बार वो सिलेक्शन लेकर रहेगा दोस्तों। आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका दोस्त, जो भी मानते हो आपके साथ हूं दोस्तों, कभी भी कोई भी प्रश्न पूछेगा हमेशा आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों रात में छोड़ करके रात में 11 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक छोड़ करके दोस्तों किसी भी टाइम आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आपका जवाब जरूर मिलेगा। अब क्योंकि ये टाइम दोस्तों सोता भी हूँ, खाता भी हूँ, नहाता भी हूँ, तो अपना भी काम होता है कुछ तो दोस्तों। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप एक बार प्रश्न भेज दिए हैं मेरे पास तो आप एकदम निसंकोच हो जाइए, कि ये तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि उसका जवाब नहीं आएगा, उसका जवाब जरूर आपको मिलेगा। बस फर्क इतना है दोस्तों कि हो सकता है कि 1-2 मिनट में लेट हो जाऊं आपका जवाब देने में, लेकिन जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं, इसको हल करते हैं। अगर ए और बी दोनों लगा दिया जाए, दोनों टंग नल खोल मतलब कि लगा दिए जाए खाली करने के लिए, तो देखिए एक घंटा है दोस्तों, एक घंटा, तो एक घंटे में दोस्तों दोनों नल मिल करके कितना खाली करेंगे, तो 3×2 = 5 यूनिट, यानी कि एक घंटे में दोनों नल मिल करके 5 यूनिट खाली कर देंगे। तो पूरा खाली कितनी देर में करेंगे दोस्तों, पूरा खाली कितनी देर में करेंगे, तो यानी कि 120/5, यानी कि 5 × 2 = 10 और 5 × 4 = 20, यानी कि 24 घंटे में दोस्तों, घंटा है इसलिए घंटे कर दीजिए, 24 घंटे में दोस्तों पूरी टंकी खाली हो जाएगी, 24 घंटे में आपकी पूरी टंकी खाली हो जाएगी। वहीं अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों, अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो क्या कह रहा है सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है सुनिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैंने कहा कि आप केवल मेरे साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। देख रहा हूं लाइक नहीं किया आप लोग, लाइक करिए दोस्तों, लाइक करिए और एक बार शेयर करिए, एक बार दोस्तों शेयर करिए अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए, अपने गुरु के लिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप, एक बार शेयर करिए दोस्तों फेसबुक पर, एक बार शेयर करिए। मैं देखूंगा कि कौन मेरा अच्छा स्टूडेंट है जो मेरी पोस्ट जो है या जो मेरा वीडियो दोस्तों फेसबुक पर शेयर करता है। और केवल 3 बच्चे अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किए हैं दोस्तों, केवल 3 बच्चे फॉलो किए हैं, ठीक। तो वो सभी बच्चे जितने देख रहे हैं दोस्तों, वो सभी बच्चे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि एक किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, सुनिएगा दोस्तों, एक किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, लेकिन बी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। अब सुनिए दोस्तों, एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, ए जो है वो 6 घंटे में भर सकता है, यानी कि दोस्तों जब हम ए नल एक खोल दें तो ये 6 घंटे में तो भर देगा, लेकिन दोस्तों कह रहा है जो दूसरा नल है अर्थात बी जो है वो भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देगा, यानी कि बी जो है दोस्तों ये 8 घंटे में खाली कर देगा। तो हमने कहा दोस्तों चाहे भरना हो, चाहे खाली करना हो, चाहे जो भी हो, आप पहले उसका एलसीएम लिख लीजिए, अर्थात 8 और 6 का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 24 एलसीएम ले लेंगे। अब सुनिए हमारी एक बात सुनिए, 6 घंटे में भर रहा है, इसका मतलब 6×4 = 24, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक घंटे में जो नल ए है, नल ए जो है 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर देगा, लेकिन बी क्या करेगा, 8×3 = 24, अर्थात बी जो है 1 घंटे में 3 यूनिट खाली कर देगा। सुनिए दोस्तों, ए जो है 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा और बी 1 घंटे में 3 यूनिट खाली कर देगा, अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाएगा दोस्तों तो 1 घंटे में कितना पानी भराएगा आप बताइए। एक अगर ए प्लस बी अर्थात दोनों को खोल दिया जाए तो दोनों 1 घंटे में
भरेंगे बराबर। दोनों एक घंटे में दोस्तों कितना भरेंगे, सुनिएगा, दोनों एक घंटे में कितना भरेंगे दोस्तों, तो सुनिए, हमने कहा कि ए आपका 6 घंटे में, बी आपका 8 घंटे में खाली कर देता है, तो दोनों मिल करके 1 घंटे में कितना भरेंगे। तो भाई देख रहे हैं, 4 यूनिट ये भर रहा है, 3 यूनिट ये खाली कर रहा है, मतलब क्या हुआ। अरे दोस्तों एक कहानी सुने होंगे ना, कौन सी कहानी, कि आंधर बिने जाता है अपणिया चबाए जाती है। मतलब जो अंधा व्यक्ति है वो बाध बिन रहा है, रस्सी बना रहा है, और बगल में पणिया बांध दिया है एक, और पड़ीवा का कर रही है कि ये बंधुआ बना रहे हैं और चबा चबा के खा रही है। तो दोस्तों ये बताइए, या फिर दोस्तों अगर ये न समझ में आए तो छोड़ दीजिए, एक और सुन लीजिए दोस्तों। अब हमने, हमको दिखाई नहीं देता दोस्तों, हमको दिखाई नहीं देता, हम एक डिब्बा रखे और हम तोड़ तोड़ के हम गोली डालते ही सुना, हम उसमें 10 गोली डाल दिए, कितनी गोली, 10 गोली। हमारे बगल आप बैठे हो और आप क्या किए दोस्तों, 1 घंटे में हम 10 गोली डाल रहे हैं और आप 1 घंटे में 4 गोली निकाल ले रहे हो। तो दोस्तों 1 घंटे में उसमें कितनी गोली पड़ी आप ये बताइए, कमेंट करिए, बताइए कितनी गोली पड़ी। देख रहा हूं बहुत सही जवाब है, अर्थात 6 गोली, मतलब मैं 10 डाल रहा हूं लेकिन 4 तो आप निकाल ले रहे हो, तो बची कितनी, 6 गोलियां तो बची। तो वही चीज इसमें दोस्तों कि 1 घंटे में ए तो 4 यूनिट डाल रहा है लेकिन बी 3 यूनिट निकाल ले रहा है। तो दोस्तों भरा कितना, 1 यूनिट तो भरा गया, 1 यूनिट भरा गया, इसलिए ए प्लस बी दोनों को खोल दिया जाएगा तो टंकी भरेगी बराबर 24/1 बराबर 24 घंटा बराबर 24 घंटा, यही आ जाएगा आंसर। किसी को कहीं समस्या है दोस्तों बताइए, किसी को कहीं भी समस्या हो तो कमेंट करिए, और मजा आ रही हो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, एक बार दोस्तों मजा आ रही हो तो लाइक करिए और लिखिए जय हिंद, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। लगना चाहिए कि आप लोग एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, इंडियन आर्मी के स्टूडेंट हैं, और लगना चाहिए जो एनटीपीसी वाले हों वो भी कमेंट करें दोस्तों, लगना चाहिए क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं दोस्तों, भारत प्रेमी हैं, और जय हिंद का नारा लगता रहना चाहिए। तो एक बार जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट में आइए, कमेंट करिए दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी टाइप का एक प्रश्न और देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी पूर्णतया भरी हुई है और दोनों पाइप खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अच्छा ये बताइए कि अगर जो है खाली करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो तो टंकी खाली होगी, और अगर भरने वाला ज़्यादा तेज हो तो टंकी भरेगी। मतलब जो भर रहा है अगर वो ज़्यादा पानी डाल रहा है और जो निकाल रहा है वो कम पानी निकाल रहा है, तो एक ना एक समय तो आएगा ही जब टंकी भर जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर भरने वाला कम पानी भर रहा है और निकालने वाला ज़्यादा पानी निकाल रहा है, तो एक ना एक समय आएगा टंकी खाली हो जाएगी। तो वही चीज है दोस्तों, सुनिएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। तो मान लीजिए पहला है ये 5 घंटे में भर सकता है, ठीक, तो प्लस कर दिया मतलब भर रहा है। फिर कह रहा है दूसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है, जो आपका दूसरा है दोस्तों ये 4 घंटे में खाली कर सकता है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप एलसीएम ले लीजिए, 20 एलसीएम लेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब सुनिए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ घंटा था इसलिए हमने 1 घंटे लिख दिया, मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में पहला नल 4 यूनिट पानी उसमें डाल रहा है, लेकिन दोस्तों जो दूसरा नल है वो 5 यूनिट पानी निकाल रहा है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर जी ये बतावा, अभी आप कहे कि अगर हम गोली डावत ही होमा, अगर हम एक दाई में एक घंटा में 10 गोली डावत ही और वह 4 गोली निकाल लेता है, 6 गोली बची तो ठीक है, लेकिन गुरु जी ये बतावा कि अगर तू 4 गोली डाले हा, 4 गोली अगर डाली हा, तो अगला आदमी कैसे 5 गोली निकाल ले। कहा गुरु जी गलत पढ़ावा था। तो दोस्तों गलत नहीं है, सुनिए प्रश्न क्या कह रहा है
कह रहा है कि यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो, टंकी पूरी भरी है और उसके बाद ये सब प्रोसेस हो रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटे में अगर दोनों खोल दिया जाए, पहला और प्लस दूसरा दोनों खोल दिया जाए दोस्तों, तो एक घंटे में क्या होगा दोस्तों, एक घंटे में एक यूनिट खाली हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक घंटे में एक यूनिट खाली हो जाएगी, मतलब हर घंटे एक यूनिट खाली होगी। तो पूरी खाली कब हो जाएगी दोस्तों, पूरी खाली कब हो जाएगी, तो पूरी खाली कब होगी दोस्तों, 20 है 20 और बटे एक यूनिट खाली हो रही है, तो 20 बटे एक यानी कि दोस्तों 20 घंटे। इसका मतलब यह हुआ कि जो टंकी है वो 20 घंटे में पूरी खाली हो जाएगी दोस्तों। तो ये था प्रश्न दोस्तों, बताइए समझ में आया कि नहीं, ये था प्रश्न, बताइए समझ में आया कि नहीं, किसी को कहीं दिक्कत है दोस्तों, किसी को कहीं दिक्कत हो बताइए, ये था प्रश्न आज का। आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। ये चारों टाइप हमने बता दिया दोस्तों, चारों टाइप हमने बता दिया। कभी कभी अगर हार्ड क्वेश्चन पूछना चाहे तो हार्ड क्वेश्चन में क्या पूछता है सुनिएगा, सुनिएगा स्पेशल क्वेश्चंस, ये आपकी स्क्रीन पर नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूं सुनिएगा। कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक। ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करना शुरू करें, क्या बताया दोस्तों, यदि दोनों मिलकर के काम करना शुरू करें और 4 दिन बाद दोस्तों, 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, 4 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा दोस्तों। तो चलिए यही सॉल्व करते हैं, स्पेशल रूल में है। हमने कहा दोस्तों कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले, पहले आप एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, 30 एलसीएम ले लीजिए, 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30। इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों, अगर हम ए प्लस बी को मिला दें तो ए प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे दोस्तों, बताइए, 2 यूनिट ए कर रहा है, 3 यूनिट बी कर रहा है, तो एक दिन में दोस्तों कितना करेंगे, 3 × 2 = 5 यूनिट करेंगे। एक दिन में 5 यूनिट करेंगे। और कह रहा है दोस्तों कि ए प्लस बी दोनों मिल करके 4 दिन तक काम किया, 4 दिन नहीं, इसको 3 दिन करिए दोस्तों, इसको 3 दिन करिए तब ज्यादा अच्छा लगेगा। ए और बी मिल करके 3 दिन तक काम किए, तो दोस्तों एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, 4 ही रहने दीजिए, अच्छा 4 ही रहने दीजिए, एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है दोस्तों, तो 4 दिन में कितना करेगा बताइए, 5 × 20 यूनिट। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि ए और बी 4 दिन तक काम किए हैं ना, ए और बी 4 दिन तक काम किए हैं, तो 4 दिन तक दोनों मिलकर के 20 यूनिट काम खत्म कर देंगे। अब हमारे पास बचा कितना काम, भाई 30 काम था, 30 यूनिट काम था, 20 यूनिट काम हो चुका है, बचा हमारे पास कितना, हमारे पास 10 यूनिट काम बचा। अच्छा ये बताइए दोस्तों, अब जो ये 10 यूनिट बचा है इसको करेगा कौन, ये जो 10 यूनिट बचा है इसको करेगा कौन, तो हमने बताया दोस्तों कि अब चूंकि देख रहे हैं 10 यूनिट हमारे पास बचा है, तो 10 यूनिट बचा है दोस्तों, अब ये 10 यूनिट करेगा कौन, ए करेगा। और हमने देखा दोस्तों ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 10 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 10 × 2 = 5 दिन। ए जो है बचा हुआ काम 5 दिन में करेगा, तो प्रश्न में कह रहा था कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 4 दिन तो ये लगा है दोस्तों और 5 दिन ये लगा है, अर्थात 5 × 4 = 9 दिन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पूरा काम आपका कितने दिन में समाप्त होगा, 9 दिन में समाप्त होगा। किसी को कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट करिए, किसी को कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए और बताइए कहां नहीं समझ में आया। जैसे एक प्रश्न और देखिए, इसी नियम का एक प्रश्न और देखिए। प्रश्न है कि ए किसी काम को
एक इसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ठीक। दोनों मिल करके काम शुरू किए, मतलब ए और बी दोनों मिल करके काम शुरू किए, 5 दिन बाद बी की तबीयत खराब हो जाती है। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 5 दिन जो है ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर काम किया, अब 5 दिन बाद जो है बी की तबीयत खराब हो गई। अब जब बी की तबीयत खराब हो गई तो बी चला गया घर। उसके बाद दोस्तों अगर बी घर चला गया तो बचा हुआ काम कौन करेगा? तो बचा हुआ काम दोस्तों ए करेगा। तो वही चीज है। चलिए सबसे पहले हमने कहा कि अगर आपको कुछ भी दिया है यहां पर पहले एलसीएम ले लीजिए। 15 और 25 का जब दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 75 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक। अब देखिए दोस्तों 15 पचे 75 और 25 तिया 75, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 5 3 8 काम करेंगे। ए और बी अगर दोनों मिल जाए दोस्तों तो एक दिन में 8 काम करेंगे। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम किया तो एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 8 × 5 = 40 यूनिट। 5 दिन में दोस्तों 40 यूनिट काम करेंगे तो 40 यूनिट और टोटल कितना है दोस्तों? 75 यूनिट है हमारा टोटल 75 यूनिट है। 40 यूनिट काम हो गया, अब हमारे पास बचा कितना दोस्तों? हमारे पास बचा 35 यूनिट। और ये 35 यूनिट करेगा कौन? बी तो बीमार हो गया, वो चला गया, तो करेगा कौन दोस्तों? ए करेगा। और ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो अर्थात 35 यूनिट / 5 यूनिट या फिर दोस्तों 5 × 7 = 35 अर्थात 7 दिन में। तो जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा दोस्तों? तो बचा हुआ काम 7 दिन में पूरा हो जाएगा। बताइए दोस्तों ये नियम समझ में आया कि नहीं? स्पेशल रूल में अगर कभी कठिन क्वेश्चन बनाना चाहता है तब ये क्वेश्चन बनाता है दोस्तों। अगर कठिन क्वेश्चन बनाना चाहता है तब यह क्वेश्चन बनाता है। एक बार जल्दी से लाइक करिए सब लोग, एक बार जल्दी से लाइक करिए सब लोग। देख रहा हूं लाइक नहीं किए हैं अभी तक, तो एक बार जल्दी से सब लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो एक बार लाइक करिए और जय हिंद लिखिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, सब लोग एक बार जय हिंद लिखिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं चारों टाइप में किसी को समस्या है? जो बच्चे आज नए होंगे हो सकता है उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन मैंने कहा कि आप हमारे साथ बने रहिए। 6-7 दिन जब आप हमारी क्लास देख लेंगे तो आपको एकदम मज़ा आएगा दोस्तों, एकदम मज़ा आएगा और तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन दोस्तों। आइए आपको मैं एक शायरी सुनाता हूँ और जो हमारे एयरफोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बार सुनाया भी था, ठीक। सुनिए दोस्तों, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखो, क्या बताया? झूठ से सच से जिससे भी यारी रखो, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखो, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखो, बात दिल की हो या वतन की हो। फिर सुनिए दोस्तों, बात दिल की हो या वतन की हो, बस आप अपनी आवाज भारी रखिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन और हमने कहा दोस्तों, क्या कहा अभी लास्ट वाली लाइन हमने अगर ना सुनी हो तो फिर से सुनिएगा, बात दिल की हो या वतन की हो, बस अपनी आवाज भारी रखिए दोस्तों। तो चाहे जो भी हो आप मन लगाकर पढ़ते रहिए और निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। हमारा साथ आपके साथ है और हमारा साथ जिसके साथ लग जाता है दोस्तों वो बहुत ऊंचाई पर जाता है और आपको मैं उस ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आप बस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।